ये चीज इसीलिए मैं भी केंद्र में चेंज करो, इसीलिए मैं केंद्र में नहीं दूंगा रावण है वो तो, इसीलिए इसीलिए नहीं दूंगा मैं केंद्र में राहुल गांधी को। फिर भाई आज अपन वोट डालेंगे, आज अपनी लाइफ का पहला वोट डालेंगे, पहला वोट लाइफ। गुड मॉर्निंग टू फैमिली, वेलकम टू आलू, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बढ़िया, तो मालिक बढ़िया बढ़िया सो कर उठकर आ गए। और अभी इनको यार ना वोट डालने जाना है, तो आज तुम्हारा भाई लाइफ में पहली बार वोट देगा, तो देखते हैं भाई साहब किसको देना है वोट। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ यार किसको दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो दोनों ही पार्टियाँ मेरे को दोनों बेकार लगती है, लेकिन जो नेता है ना वो थोड़े सही लगते हैं। जैसे मेरे को मोदी जी से अच्छे योगी जी लगते हैं, ठीक है, और मोदी जी भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना भाई साहब मोदी ना पहले, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने बनवाया, वो चीज़ भी देखने पड़े हो फिर। लेकिन यह राहुल गांधी जी की जनरेशन ही, मेरे को राहुल गांधी जी रहेंगे जब तक तो कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा मेरा, हाँ लेकिन केंद्र में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो जाएगा अपने राहुल गांधी जी को वोट केंद्र में नहीं दूंगा मैं, लेकिन अपने यहाँ पे सागर नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज को जरूर दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी भाई समझते नहीं अपने देशवासियों को। वो जो इंसान यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या ही देश को संभालेगा, जिसको भाई काफ़ी हैं यार बातें हैं बहुत सारी। तो केंद्र में तो मैं राहुल गांधी जी को नहीं दूंगा, लेकिन राजस्थान में और अपने सागर में कांग्रेस पार्टी को वोट जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं। वैसे मस्त मजा आएगा, देखते हैं, जिसको भी देंगे अच्छे देंगे, सोच समझ के देंगे, और आप भी जिसको भी दो सोच समझ के देना, ठीक है। तो चलेंगे भाई वोट देना, ये बार सब आए नहीं, अभी कोई भी आया नहीं, ये लोग आते हैं फिर चलेंगे। सो फैमिली में आया था टूटू प्ले में चाबी देने, इधर देखो भाई साहब बीजेपी वाले हैं और उधर लग रहा है कांग्रेस वालों का, और उधर डल रहे हैं वोट, चलते देखते हैं बंदे क्या सीन है। तो ये है हमारे रमेश भैया, और इनसे पूछें आप भी वोट देते हो ना, हैं, तो किसको जाएगा आपका वोट बता दो मेरे को, बताओ किसको दोगे वोट? भीम आर्मी को देंगे हम तो, हैं, भीम आर्मी को, भीम आर्मी, जय भीम, सही है यार, सही है भाई साहब, भैया देंगे भीम आर्मी को, जय भीम करेंगे, जय भीम। और हम, मैं किसको दूंगा आपके हिसाब से? भाजपा को देगा, क्यों भाजपा को क्यों दूंगा? क्या पता मेरे को क्यों देगा, लेकिन भाजपा को दूंगा, ऐसा सोच है आपकी? हाँ। नहीं यार ऐसे सोच मत रखो यार, कांग्रेस को देगा, कांग्रेस को, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे काम करा है, कांग्रेस ने यहाँ पे काम करा है भाई, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कितना काम करा है भाई, अपना वोट पुष्पेंद्र भारद्वाज, खुशी राम भैया आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो अपना वोट किसको देंगे भाई। लौंड के चला ही देख रहे हो ना किस तरह से, ये भाई अपने जुर्म में आते हैं, तो भैया से पूछते हैं किसको देंगे अपना वोट। हाँ वोट डाल रहे हैं, वोट नहीं डाल के आए, ब्रश नहीं लाया अपना, आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाया। अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ किसको जाएगा आपका वोट? मेरा फूल को, फूल खिलाओगे? यस, खुलेआम खुलेआम, बेफिक्र होके बेफिक्र होके फूल खिलाएंगे। अच्छा वैसे एक कारण बताओगे क्यों? यार राम मंदिर बनाया हमारे लिए मोदी जी ने, बस यही कारण है हमारा। चलो भाई सही है यार, हाँ ये चीज तो मेरे को भी बुरी लगी, मोदी जी की तो वोट ही नहीं पड़ी अभी, मोदी के पड़े दब दे देना यार। अरे नहीं वो चीज तो है, मोदी को वोट नहीं वो चीज तो है यार, लेकिन बस मेरे को कांग्रेस वाले के मेरे को एक ही चीज समझ में नहीं आई कि ना यार उन्होंने राम मंदिर के विरोध में बताया चॉइस वकील लगवा दिए, हिंदू हो गए यार ये चीज, इसीलिए मैं भी केंद्र में चेंज करो, इसीलिए मैं केंद्र में नहीं दूंगा रावण है वो तो, इसीलिए नहीं दूंगा मैं केंद्र में राहुल गांधी को, लीडर तो वही ना यार जो चॉइस वकील लगवाया, हम वोट नहीं दे रहे रावण है वो, रावण हम वोट नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे तो मैं सागर नेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज, पता नहीं मेरे को, क्योंकि यार बंदा काम करा रहा है यार, बंदा काम करा रहा है ना, इसलिए काम करा रहा है, लेकिन अपन को फूल को देना है ये भैया, फूल के है ना 100% वाले बंदे हैं कमल के, बीजेपी के, और अपन जो काम करेगा उसके बंदे हैं। सो फैमिली ये रहे अपने राजू भैया, अपने पर्स वर्सी ढूंढ रहे हैं, और बैठे हैं पर्ची वर्ची ढूंढ रहे हैं, बटन नंबर। सो फैमिली इधर देख लो आज का हमारा नाश्ता अपने राजू भैया की तरफ से आया, मतलब उसके अंदर भारद्वाज की तरफ से, कैसा लगा आपका नाश्ता? एक बार सकल खाते हुए सकल देखा, नाश्ता कर ले एक बार अरे यार क्यों यार, एक बाइट। सो फैमिली बढ़िया, दोनों चाचा भतीजे मस्त रेडी होकर आ गए मस्त वाले, और अभी जा रहे हैं तुम्हारा भाई आदित्य को छोड़ते हैं पापा के पास, और फिर चलते गाड़ी वाड़ी लेते हैं, और आज भाई साहब तुम्हारा कहाँ पे,
हाँ तो उनपे तो चल रहे हैं और फिर भाई आज अपन वोट डालेंगे, आज अपनी लाइफ का पहला वोट डालेंगे, पहला वोट लाइफ का, तो देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का अंदर का और आपको बताऊँगा। अगर आपने भी नहीं डाला है पहली बार डालोगे तो मैं भी बताऊँगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, और आप भी अपना कमेंट में बताना कैसा रहता है। और हाँ, और गिव अवे मैं सोच रहा हूँ, गिव अवे इतने दिनों से कर रहा था, सोच कर रहा था, लेकिन जिसको भी भाई साहब मैं बोलता था भैया अपना कॉन्टेक्ट करो मेरे को इंस्टा पे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं करा, तो मैंने कहा अभी वो बनाया है ना, क्या बोलते हैं कम्युनिटी बनाया बोर्ड सब पे, तो है ना मेरे उसमें जाओगे ना बायो में, यूट्यूब के उसमें बायो में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, तो उससे मेरे पास आपके कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन आपके नंबर उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके नंबर किसी तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, किसी के पास नहीं जाएंगे आपके नंबर, ओनली मेरे पास जाएंगे, तो और फिर मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके एड्रेस पूछ के और फिर गिफ्ट भेजूंगा मैं, ठीक है। तो पहले चलता हूँ, वोट डालता हूँ और फिर करेंगे गिव अवे। सो फैमिली बढ़िया, जितेंद्र भाई और अपन दोनों, ये तो डाल के आ गया लंडा वोट, हमारा भाई पहली बार डालेगा, और तू भाई? भाई मैंने तो पहली बार डाला है वोट। अंदर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अंदर का एक्सपीरियंस रहा है मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा, और अपनी उंगली पे टिक लगाएंगे तो भाई साइन करवाएंगे, अपना साइन भी कराएंगे और वोट ईवीएम मशीन के पास भेज देंगे, वहाँ आपको 2-5 सेकंड खड़ा रखेंगे जब तक आपका वोट नहीं डलेगा। अब अंदर को कौन भेज देंगे? और अंदर कौन बैठा है? अपनी गली में से ये गोलू भैया, अपनी गली में से गोलू भैया। हेलो भाई साहब, गोलू भैया अपना है, अपना अपन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में, टाणी में, अब तो उसका नाम ही चेंज हो गया, अब तो महात्मा गांधी हो गया। और ये भाई जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन पहचान में क्यों नहीं आ रहा मेरे को भाई? तो मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा यार। क्या हुआ? जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था क्या मेरे भाई? अरे हाँ यार, भूल गया यार, मैं तो नहीं आता, तुम अभी भी आते हो क्या? मैं भी नहीं आता। चलो सही है यार। और वोट ऐसी जगह डालना है जो अपने काम है, ऐसी जगह मत डालना वोट की अपने काम ही नहीं है वो। भाई तेरा भाई ना, तेरा भाई जो तेरे भाई को दिल से प्यारा है ना उसको देगा। वैसे तो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ये शॉर्ट चल रहे ना, पानी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बनवाई है, इस वजह से पुष्पेंद्र भारद्वाज को वोट जाएगा मेरा। लेकिन केंद्र में बीजेपी को जाएगा, लेकिन सावन में पुष्पेंद्र भारद्वाज, क्योंकि भाई पुष्पेंद्र ने जो रोड बनवाई ना उसी रोड पे चल रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो चलते पुष्पेंद्र भारद्वाज को वोट देने। सो फैमिली ये है, यहाँ पे हमारे स्कूल में वोट डल रहे हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा नहीं दिखाएगा तुम्हारा भाई, पन्ना पता चले कोई चिल्लाने लग जाए। सो फैमिली तुम्हारे भाई ने वोट डाल दिया, ये देख लो मस्त वाला वोट डाल दिया, सेल्फी हेल्थ पर तो यही स्क्रीन शॉट ले लेंगे मस्त है, गोपाल के पास चलते। सो फैमिली तुम्हारे भाई ने फर्स्ट टाइम डाला है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा तुम्हारे भाई को, लोंडे को मिला ना ऐसा, तुम्हारे भाई को भी मिलेगा, बन रहा तुम्हारे भाई का सर्टिफिकेट। तो गाइस फाइनली अपन वोट देकर आ गए, अपना सर्टिफिकेट भी आ गया, ये देखो, और अपना वोट पुष्पेंद्र भैया को एक बार बोल दे, पुष्पेंद्र भैया जी जय, जीतेगा भाई जीतेगा, पुष्पेंद्र भारद्वाज जीतेगा। तो भाई बढ़िया देकर आ गए वोट, अब देखते हैं, अपने तरफ से अपन ने पूरा दिया पुष्पेंद्र को, है ना, अब देखते हैं, क्योंकि यार किसी का मन में अपन नहीं जानते कि कौन क्या है ना, सही बोल रहा हूँ ना भाई? तो अपन अपनी जगह सही थे, अपन ने अपने सही से दिया वोट पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को, बटन नंबर 2 अगर आपने भी डले तो याद से याद रखना, बटन नंबर 2 वोट देना है तो पंजे में देना है भाई का, ये रोड जो चल रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के द्वारा चल रहे भाई, वरना यहाँ पे इतना डामर का रोड था, इतना ख़राब था ना, जिसको याद नहीं है। तो चलते राजू भैया के पास, सर्टिफिकेट दिखाते फिर मिलते। सो फैमिली बोर्ड डाल के आ गए थे, तो पुष्पेंद्र भैया के हमारे पास आया था खाना, हम लोग खा रहे खाना, हमारे हेम सिंह भैया को देखो, देख रहे ना भाई, कोई नहीं आएगा लेने। सही है भाई साहब, हेम सिंह भैया अकेले अकेले खा रहे। सो फैमिली बढ़िया बोर्ड वोट डालकर आ गए और यहाँ पे बढ़िया नेतागिरी कर ली, और अब चलते घर पे। चल भाई ये देखो, फर्स्ट टाइम वोट डाला है तो भाई साहब को सर्टिफिकेट मिला है, तुम्हारे भाई को भी मिला, लेकिन तुम्हारा भाई घर पे रख दिया। और विशाल भाई तो भाई सुबह पहले डाला, विशाल भाई आपने किसको वोट डाला ईमानदारी से बताना? पुष्पेंद्र भारद्वाज भाई, पुष्पेंद्र भारद्वाज जीतेगा, काम कराया था अपने यहाँ पे इसीलिए। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, मैंने सोचा था यार की वीडियो भी बना लूं, लेकिन पहले फोन अंदर अलाउ नहीं कर रहा था इस वजह से, लेकिन चलो कोई ना, मस्त आज का दिन भाई सब बोर्ड रहा, अब तो यही है जीते भाई सब, तो अब तो बस रिजल्ट आने की देरी है। और तुम्हारा भाई ना गिव अवे करने के लिए भाई साहब सोच रहा है, तो लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ गिव अवे में क्या दूँ, तो है ना इस वजह से अब मैं देख रहा हूँ गिव अवे में क्या दूँ, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं जो भी देना है गिव अवे देना है फटाफट से,
तो आप सभी ने अभी तक मेरा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके फटाफट से व्हाट्सअप पे भी चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपके व्हाट्सअप पे किस कोई नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, यानी आपका नंबर आप तक ही सीमित है, किसी में नहीं रहेगा, बस अपना चैनल रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप फटाफट से ज्वाइन हो जाना। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।